देखिए गुफा में, गुफा के अंदर जाना है। गुफा के अंदर आने के बाद दोस्तों सांस फूलने लगता है, देख सकते हैं कितना अंदर गुफा है। गुफा में देख सकते हैं कोई बेहोश हो गए, फिट मार दिए हो के, देख सकते हैं पूरा तबीयत खराब हो गया, टांग के लोग ले जा रहे इसे। पिकअप यहाँ से जब उल्टा था ना, और देख सकते हैं पिकअप आगे के नीचे जाके गिर गया, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ पे, पिकअप उलट गया देख सकते हैं यहाँ पे पिकअप। इसमें लगभग 25 आदमी मरे थे ना भाई, कितने आदमी? 35 आदमी मर गया था। ओ माय गॉड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं फिलहाल हूँ भैया अपने गांव यानी कि घर पे आ चुका हूँ, और ये हमारी मम्मी। आज हम लोग जा रहे हैं भाई गुप्ता धाम हम जा रहे हैं, मम्मी नहीं जा रही है सिर्फ अकेले, ड्रेस व्रेस चेंज हो गया है, और चले अभी हम चलेंगे मंदिर, देवी स्थान हमारे गाँव में, वहाँ पे गोल्ड लेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, दोस्त लोग भी 3-4 लोग जा रहे हैं, सबसे मिलवाएंगे, फिलहाल चलते हैं। मम्मी को प्रणाम, चलो ठीक है मम्मी, तो मम्मी के लिए कुछ लेकर आना भी होगा, चलो मम्मी टाटा। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, देख सकते हैं देवी स्थान यही है, दुर्गा माई की जय हो। तो दोस्तों अभी हम लोग सासाराम से टेम्पो बुक किया है, रिजर्व किया है 150 रुपए में, ठीक है, चाचा चला के ले चल रहा है, 150 नहीं कितना लगा था भाई, 250 रुपए, सॉरी 250 रुपए में टेम्पो रिजर्व किया है, और हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं, कुछ ही टाइम लगेगा, और दिखाते हैं कैसे यहाँ का पहाड़ है, 25 किलोमीटर भैया लगातार चलना पैदल। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक लास्ट टेम्पो आता है, ठीक है, और उधर टेम्पो स्टैंड है नीचे में, और इधर मैं बता दूं कि यहाँ से आगे तक जाना है, ऐसे ऐसे जा करके देखिए ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, झोपड़ा झोपड़ी रोक रहा है ना, ऊपर चढ़ना भाई, वहाँ देख सकते हैं सामने झरना गिर रहा है, पानी गिर रहा है ऊपर, और इसी पहाड़ के जरिए हम लोग को 30 किलोमीटर आगे तक चलना है, वहाँ तक पहाड़ तक। और तो अभी मतलब 10 मिनट भी नहीं चले पैदल, देख लिए ये हालत हो गया चलते चलते भाई, चढ़ाव बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं गाँव कहाँ था, कितना ऊपर आए हैं, मतलब बहुत थक जाते हैं लोग। दोस्तों देख सकते हैं भैया हालत खराब हो जा रहा चढ़ते चढ़ते, कैसा रास्ता है, ये कोई रास्ता है, देख सकते हैं, ओह माय गॉड, वाह, अभी कितना दूर है वहाँ? यहाँ से कम 17 किलोमीटर अभी 17 किलोमीटर दूर, जाइए बाबा। दोस्तों चलते चलते थक गए थे, तो अब सोचे बैठा जाए क्योंकि एकदम समतल आ गया है, चढ़ाई जितना चढ़ना था हम लोग चढ़ गए, अब सीधा रास्ता मिलेगा ऐसे ही पहाड़े पहाड़े, और देख सकते हैं खाना पीना आइटम ले लिए हैं। तो चलते चलते 10 किलोमीटर दूरी आए हैं, तो देख सकते हैं एक बाबा के यहाँ पे दरबार है, ठीक है, इसके अंदर गुफा के अंदर एक बाबा रहते हैं, लगभग 70 साल से रहते हैं, यही रास्ता है, इसी रास्ता के जरिए भी हम लोग चलना है लगभग 17-18 किलोमीटर, चलते जाइए खाली पहाड़ पे। अरे भैया तो दोस्तों अभी हम एक ऐसा जगह पे आ चुके हैं भाई, जैसे लग रहा है ना कि वादियों में आ गए हैं, मतलब कहाँ आ गए कुछ समझ में आ रहा है, जम्मू कश्मीर तो नहीं आ गए भाई घूमते घूमते। यहाँ पे इतना अच्छा पहाड़ है, लगभग 7 पहाड़ी है, एकदम नीचे खाई है, इतना अच्छा व्यू है कि लगा कि फोटो शूट करें। लेकिन तो दोस्तों रात में हम लोग स्टे कर लिए थे, रुक गए थे, और अभी सुबह का 3 बज गया था, हम लोग निकल चुके हैं, देख सकते हैं सभी लोग जा रहे हैं, रास्ता तो पूरा डेंजर है, दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर, देखिए सभी लोग टॉर्च लेकर के आ रहे हैं रास्ता में, पहाड़ में चल रहे हैं भाई, बगल में झरना भी है, पानी भी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैया मंजिल जहां तक था वहां तक, लेकिन हमारे पीछे मंदिर है, इसी मंदिर के अंदर गुफा है, इसी में चलना है, रात में ही आ गए थे बट वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि अंधेरा था पूरा, कुछ दिख नहीं रहा था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भैया ये अब कैसा रास्ता है, मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल जाना है सीताकुंड, वहाँ पे बहुत ही बड़ा झरना है, 1 किलोमीटर का 2-3 किलोमीटर लगभग हो जाता है, और सीताकुंड एकदम बहुत ही बड़ा झरना है, झरना देखिएगा तो आपको दिमाग हिलने लगेगा, लगेगा कि हम भी आए यहाँ पे नहाए आ करके, क्या सीन है भाई देख सकते हो, वाओ ना जाने कितना पहाड़ मिलकर इसमें वो बना होगा, ये क्या लेने जा रहा है, साबुन हो, ये चड्डी हाथ में क्या लिया है। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं पैदल, मंदिर दिखाया, मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पैदल दूर जाइएगा तब वहाँ पे जाकर के आपको एक झरना मिलेगा, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल जिसे सीताकुंड भी कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा पानी रहता है उसमें, आदमी नहाएंगे धोएंगे जल लेकर के आएंगे और चढ़ाएंगे, बस यही यहाँ की कहानी है सीताकुंड, ठीक है, हरे राज झरना, यहाँ से पानी गिरता है और सब लोग स्नान करते हैं, यहाँ से गंगा जल लेकर जा करके शंकर जी पर चढ़ाते हैं, और काफ़ी तमाम ज़्यादा भीड़ है भैया, और भी लोग आ भी रहे हैं देख सकते हैं काफी ज्यादा, और हम लोग तभी जाएंगे वहां पे जहां झरना गिर रहा है वहां जाकर नहाएंगे, हम सबसे
दोस्तों देख सकते हैं भैया वहाँ तक लोग जाकर के नहा रहे हैं उस झरने के पानी से, और ये झरना तो बहुत डेंजर है भाई, उस पार लोग जा ही नहीं रहे हैं। हर तल जाते थे बट पता नहीं इन तल कोई नहीं जा रहा है, रस्सी मारा ले घेरा, उस पर जाना मना है क्योंकि भैया पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। तो दोस्तों अभी स्नान स्नान हो गया, अब गंगा जल लेंगे और जाएंगे जल चढ़ाने, और बाबू रवि नहा रहा है और देख सकते पानी झरना कितना आ रहा है भाई, डेंजर जगह डेंजर। तो फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं भैया जल लेकर के, देख सकते हैं आ गए हैं इसी मंदिर के अंदर चलना है। दोस्तों देख सकते हैं मंदिर में आते हैं इसी गेट से माध्यम से आते हैं और मंदिर में आते हैं, देख सकते इतना भीड़ है और इसी गुफा के अंदर चलना है, मेन गुफा यही है, इसी के अंदर चलना है। दोस्तों देख सकते हैं गुफा है और ये गुफा के अंदर जाना है भाई, पूरा अंधेरा भी है, टॉर्च लेकर के जाने पड़ेगा लगभग 500 मीटर अंदर गुफा में। देख सकते हैं कोई बेहोश हो गए, फिट मार दिया होके, देख सकते हैं पूरा तबीयत खराब हो गया, टांग के लोग ले जा रहे इसे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये गुफा है भैया, इसी के अंदर हम लोग चलना है। बोल बम, बोला बम, बोल बम, ये रहा गुफा। यहाँ पे नहीं है और आगे है, देख सकते हैं कैसा गुफा है भाई, इसी के अंदर जाना है, सांस फूलने लगता है। देखिए गुफा में, गुफा के अंदर जाना है। चल भाई आराम से चलते रहो चलते रहो। बोल बम, बोल बम, बोल बम, ओह माय गॉड, सांस फूलने लगता है दोस्तों इसमें जाने के बाद, गुफा के अंदर आने के बाद दोस्तों सांस फूलने लगता है। देख सकते हैं कितना अंदर गुफा है, बहुत ही डेंजर जगह है दोस्तों, यहाँ पे भी पूजा होता है। फाइनली दोस्तों पहुँच चुका है मंदिर के पास, देख सकते हो ऊपर से पानी चूता है, यहीं पे पूजा होता है भैया, सब लोग यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, यही शंकर जी हैं, जल को ढारा जाए ऐसे ऐसे, जय हो शंकर जी, जय हो माता रानी। इसी गुफा में पूरा आए हैं, देख सकते हैं सभी लोग पूजा कर रहे हैं, फटाफट यहाँ से भागना होगा क्योंकि दम सांस फूल रहा है। फाइनली दोस्तों पूजा करके आ गए जल ढार के, भैया कोई दिक्कत नहीं हुआ, काफी लोग जा रहे तो थक जा रहे हैं, चिल्लाना नहीं है, अंदर जाके चिल्लाइएगा तो दिक्कत होगा ही, चिल्लाते हैं लोग सांस फूलने लगता है ना भाई, तो आराम से दर्शन करके आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको जाके भाई लोग। कुछ इस प्रकार का मंदिर है, इसी के अंदर गुफा है भैया, ठीक है देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि गाड़ी रिजर्व कर लिया, ठीक है आगे का भी गाड़ी जा रहा है, यहाँ पे गाड़ी भी मिल रहा है, माने कि सिर्फ बाइक, बाइक से आप जा सकते हैं डायरेक्ट उस पार, पता नहीं कौन सा जरिए कौन सा रोड जरिए लिया जाएंगे पता नहीं, कुछ नहीं है बस देखते जाइए, और भाड़ा कितना लगता है क्या लगता है सब नीचे उतर के बताएंगे। चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना डेंजर जगह है, इस पर से पिकअप यहाँ से जब उल्टा था ना, और देख सकते हैं पिकअप आगे के नीचे जाके गिर गया, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ पे, इसमें लगभग 25 आदमी मरे थे ना भाई, कितना आदमी, 35 आदमी मर गया था, ओह माय गॉड, पिकअप उलट गया देख सकते हैं यहाँ पे पिकअप, 35 आदमी डेट कर गया यहाँ पे, इसमें से गिरा था, तो इतना खतरनाक जगह है। दोस्तों बहुत ही मस्त झरना मिला यहाँ पे देखने के लिए, कुछ देर सोचे कि भैया को गाड़ी रुकवाएं, रोकिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नहाएंगे मजा आएगा, ठीक है उसके बाद चल जाएगा, अब तो पहुँचने ही वाले हैं। नहाओ नहाओ नहाओ, तुम लोग नहाओ, हम वीडियो बना रहे हैं, आओ नहाओ, तनी आओ ऊपर जाके नहाओ, चड्डी चोर और पहन लेकर। दोस्तों खूब नहाए, खूब इंजॉय किए, मजा आ गया झरना में नहा करके, ठीक है सब लोग देखिए ड्रेस व्रेस चेंज कर रहा है, और भैया तैयार है ले जाने के लिए बाइक वाले भैया, हाँ सामने दिख रहा होगा आपको वाला कोयला। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बाइक का सफर हुआ समाप्त, हम लोग आ चुके हैं डैम, अगर आप आते हैं भैया अगर गुप्ता धाम जाना चाहते हैं तो डैम आइए, डैम से आपको बाइक मिलता है और आप जा सकते हैं गाड़ी द्वारा, पैदल मत जाइए भाई बहुत कष्ट है, हम लोग देख लिए कितना कष्ट है क्योंकि इधर से पैदल ही गए थे, लगातार 3 साल पैदल गए हैं, अब यहाँ से टेम्पो चेंज करेंगे और जाएंगे सासाराम, तब तक के लिए इतना ही, ब्लॉग को खत्म करते हैं, बाय बाय।